10 दिनों तक भागलपुर के रेशम भवन में चलने वाले खादी मेला सह उद्यमी बाजार का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उद्योग विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक खुशबू कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान डीएम अधिकारियों के साथ रेशम भवन परिसर में सजे स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुनकर मंजूषा कला और महिला उद्यमियों द्वारा लगाए गए घरेलू उत्पाद के विभिन्न उत्पादनों के तैयार करने की जानकारी बारीकी से ली और अधिकारियों को छोटे छोटे उद्यमियों को साहित करने के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर के रेशम भवन में बिहार के अलग अलग जिलों से लोग और विभिन्न छोटे उद्यमी अपने अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का व्यापार करने आए हैं। अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने आम लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में बाजार में पहुंचकर छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने की अपील की। साथ उन्होंने उद्योग विभाग के जीएम को यह भी निर्देश दिया कि अगर मेले की अवधि बढ़ानी हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं उद्योग विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक खुशबू कुमारी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से छोटे छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। मेले के उद्घाटन के दौरान मेला प्रभारी अभय सिंह, मुन्ना सिंह, काजल प्रियंका सहित खादी बोर्ड के कई अधिकारी और भागलपुर उद्योग विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। खादी ग्रामोद्योग मेला का आयोजन किया गया है जहां 120 स्टॉल लगे हैं और आप देख रहे हैं कि बिहार राज्य के अन्य कई जिलों से यहाँ उद्यमी लोग आए हैं और कई प्रकार के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, खास करके कपड़े हैं, खाद्य सामग्री है, हनी है। तो मैं भागलपुर की तमाम जनता से अनुरोध करूँगा कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ही यहाँ स्टॉल लगाया है तो निश्चित रूप से काफ़ी कम दाम में और काफ़ी रियायत पे उनको यहाँ सामग्री मिलेगी। वे आ करके यहाँ इस रेशम भवन में लगे हुए इस उद्योग मेले में वो अपना लाभ उठा सकते हैं और ज़रूर आएँ। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है 7 जुलाई तक इस मेला का आयोजन किया जाएगा तो आएं। हाँ सर, सर 7 जुलाई तक तो आएं और अपने लोग। भागलपुर जिले में जल जमाव एवं आगामी श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर नगर निगम की नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षद एवं कई पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद महापौर ने कहा कि भागलपुर जिले में जल जमाव एक बड़ी समस्या है, इस समस्या के निवारण के लिए आज बैठक की गई है। इस बैठक में कहा गया है कि शहर में जितने भी हतिया नाला है सभी जाम है, यदि हतिया नाला का उड़ाई हो जाता है तो शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हमने एक उदाहरण स्वरूप शहर के महत्वपूर्ण आनंद चिकित्सालय रोड स्थित हतिया नाला का उड़ाई कराया था और कुछ दिन पूर्व मानसून की बारिश में उस रोड में जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में भागलपुर के गंगा घाटों से लाखों श्रद्धालु डाक बम के रूप में पैदल बासुकी नाव जलार्पण करने के लिए आते हैं, उनको किसी तरह कोई परेशानी न हो इसको लेकर हम नगर निगम के सभी पदाधिकारी समेत वार्ड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी अलर्ट मोड में हैं और सभी की तरह तैयारी भी शुरू कर दी गई है कि हमारे यहाँ जो हथिया नाला है पूरी तरह से वह गाद से भरा हुआ है, पूरी तरह से जाम है। जब तक वो पूरी तरह क्लियर नहीं होगा तो ये जल जमाव की समस्या होती रहेगी और जल निकासी होगी ही नहीं। हम अपने स्तर से एक हथिया नाला का उड़ाही करवाए थे जो एक एग्जाम्पल है और उसके पश्चात वो कई वर्षों से एक आनंद चिकित्सालय रोड हुआ करता था तो उसमें जल जमाव की समस्या रहती थी, लेकिन उसकी उड़ाही पूरी तरह से करने से अभी उसमें आनंद चिकित्सालय रोड में पूरी तरह से वो फ्री है और उसमें जल जमाव नहीं होता है। तो हमने एक उदाहरण दिया कि इसी तरह की सफाई पूरे हथिया नाले की होनी चाहिए, चाहे वो जितना भी दिन लगे, 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, कभी न कभी तो वो साफ होगा ही। दूसरी बात है जो हथिया नाला है उस पर बहुत सारा अतिक्रमण है, कितने कितने फीट का नाला, कितना कितना मीटर, कितना कितना फीट बच के रह गया है, तो उसका अतिक्रमण को हटाया जाए, उस पर ढक्कन लगाया जाए और जो लो लैंड है जो पूरी तरह से नीचे है और उसमें जल जमाव होता है तो हमने कहा उसको चिन्हित कर करके उसमें सम्प बनाया जाए और उस सम्प के जरिए पानी को नीचे ग्राउंड में भेजा जाए जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा उस जगह का और जल जमाव की भी समस्या दूर होगी। मैंने यह सुझाव दिया मैंने विधायक जी की तरफ से कि जो मुख्य सड़कों की तो बात होती है, जल जमाव की बातचीत होती है, उसके बारे में चर्चा भी होती है, लेकिन जो आंतरिक मार्ग है उसका एक सर्वे किया जाए
और हर वार्ड में ये पता लगाया जाए कि कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ 10 मिनट भी बारिश होती है तो वहाँ जल जमा हो जाता है और लोगों के आवागमन के लायक नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति कि 60% जगहों में है पूरे शहर में। हमने उदाहरण दिया इसे भिगनपुर में जो है हमने दिया बढ़ई टोले का, हमने वार्ड नंबर 6 में का दिया उदाहरण कि तुलसी मिश्र लेन का, हमने अबीर मिश्र लेन का वार्ड नंबर 2 का दिया उदाहरण। इसी तरह जो है हमने साहेबगंज का भी दिया जो है जो मिशन रास्ता है मिशन मार्ग है वहाँ का हमने दिया। नौगछिया पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लत्तीपुर स्थित विद्या देवी पति स्वर्गीय सुरेश शर्मा की बासा पर 3 व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में खड़े हैं। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे कुख्यात अपराधकर्मी गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी रंजन यादव उर्फ रंजा, पिता विजेंद्र यादव उर्फ बीजो यादव, बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर निवासी मुन्ना कुमार, पिता प्रभु ततमा और निखिल कुमार, पिता स्वर्गीय कुमार शर्मा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। नौगछिया एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मी रंजन यादव उर्फ रंजा ने अपने साथी के साथ मिलकर 8 मार्च 2024 को नौगछिया थाना अंतर्गत मकनपुर चौक के समीप इस्माइलपुर पैक्स अध्यक्ष पुत्र मिथुन कुमार यादव की गोली मारकर हत्या करने एवं हाल ही में नौगछिया नगर के चावल व्यवसायी से 20 लाख रंगदारी की मांग की बात स्वीकार की है। मिथुन हत्याकांड में संलिप्त 2 कुख्यात अपराधकर्मी राहुल यादव एवं अजीत यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। इस संबंध में बेपुर थाना में आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत कांड दर्ज कर अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया। गिरफ्तार अपराधी रंजन राजा उर्फ रंजा पर हत्या सहित कुल 9 संगीन मामले दर्ज है। एसपी ने बताया कि रंजन यादव उर्फ रंजा पर गोपालपुर थाना नौगछिया थाना चौसा थाना में हत्या समेत कुल 9 बड़े संगीन मामले दर्ज है। वहीं गिरफ्तार मुन्ना का आपराधिक इतिहास रहा है। मुन्ना पर खरीक थाना में 1 आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं गिरफ्तार निखिल का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। सूचना मिली थी कि लत्तीपुर के अंतर्गत कुछ अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। जब हम मुझे एक टीम बनाई जिसके इत्यादि के साथ जब हम लोगों ने उस जगह पर छापेमारी करी तो वहाँ 3 अपराधी पकड़ाए। इनमें एक रंजय यादव उर्फ रंजा है जो कि पूर्व में मिथुन यादव जिसकी हत्या 8 मार्च को यहाँ गोली मारकर विभत्स तरीके से कर दी गई थी वह भी शामिल था। इसके अलावा एक मुन्ना शर्मा उर्फ ततमा यह है जो पूर्व में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। इसके अलावा एक निखिल भी इसमें पकड़ाया है जिसके पास एक हथियार एवं गोली बरामद हुई है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के द्वारकापुरी कॉलोनी स्थित मंगल उत्सव सभागार में अखिल भारतीय मलवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा द्वारा दो दिवसीय प्रदर्शनी मेला का विधिवत उद्घाटन भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा के निवर्तमान विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे, डॉक्टर बिहारी लाल एवं कृष्ण कलायन केंद्र के संचालक श्वेता सुमन के द्वारा दीप जलाकर किया गया, जिसके बाद महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, विशेष अतिथि डॉक्टर बिहारी लाल एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य श्रीमती व एकता सागर द्वारा मंजूषा पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। समिति की ओर से अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए श्वेता सुमन को कला संस्कृति के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। मालवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा मीनू सलारपुरिया ने उद्घाटन के दौरान सभी अतिथियों को प्रदर्शनी मेला की जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय मेला में महिलाओं की स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने हेतु इसका आयोजन समिति द्वारा किया गया है। इसमें महिलाएं इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपना शिल्प कला एवं प्रतिभाओं को समाज के सामने प्रदर्शित करती है और ऐसे आयोजनों से महिलाओं का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं कृष्ण कलायन केंद्र की श्वेता सुमन ने समिति के सभी पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए अपने संबोधन में बताया कि यह प्रदर्शनी मेला महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है जो समाज में महिलाओं की प्रतिभा एवं उनके मान सम्मान व अधिकार को भी प्रदर्शित करती है। प्रदर्शनी में महिलाओं के लिए पोशाक, साज सज्जा की सामग्री सहित लड्डू गोपाल के पोशाक, फैंसी राखियां, मेहंदी सहित बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन मौजूद है। वहीं इस पूरे प्रदर्शनी के दौरान देसी होम फ्लेवर की प्रोप्राइटर स्वीति कुमारी के वेस्टेज मटेरियल से तैयार पोट और गमला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेस्ट मटेरियल और क्ले से तैयार पर्यावरण फ्रेंडली पोट और गमला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और आगंतुक अतिथि स्वीति कुमारी के इस प्रोडक्ट की जमकर सराहना करते हुए इसकी खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसमें शामिल हुए और इसमें अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, धनबाद से आए हैं और भी कई जगहों से लोग आकर के अपना स्टॉल लगाए हैं। इसमें जो सबसे अच्छा लगा मुझे कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे गमला बनाया गया है, कई तरह के जो फूल लगने वाले हैं सामान उसको घर में सज्जा करने वाले हैं उस वेस्ट मटेरियल से बनाया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग जो स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं शहरवासियों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आगे बढ़ें और इस तरह का स्टार्टअप करें कि ताकि और भी लोग उनको देख करके प्रेरित हों। जैसे कि हमने अभी मिट्टी का बर्तन देखा, मिट्टी का तवा देखा, उसका बॉल देखा, उसका ग्लासेस वगैरह देखे, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि साड़ी वगैरह तो यहाँ का खास है ही, सिल्क साड़ी, वो धनबाद से भी लोग आए हुए हैं, वहाँ का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, कुछ ज्वेलरी है वो भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ को हमने देखा और इससे हम यही इन लोगों को प्रेरित करते हैं पूरे शहरवासियों को कि जिस तरह से ये लोग अपना स्टार्टअप किए हैं आप लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर के जैसे भी हो जिस भी क्षेत्र में हो अपना स्टार्टअप करिए और घर में रहने से बेहतर है कि कुछ काम करते रहिए और इससे समाज का भी उद्धार होगा और इस समाज का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा, हमारे राज्य का और देश का उद्धार होगा। एग्जीबिशन लगाया गया है, इससे महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें वो लोग अपनी प्रतिभा को या फिर जो घर में रह के काम करती है उनको एक ये जगह मिलती है जिससे उनका बिजनेस डेवलप होता है और ये इस एग्जीबिशन का हम महिलाओं को पूरे साल इंतज़ार रहता है कि इसमें नया नया कलेक्शन आता है और इस बार तो हमारे यहाँ बाहर के भी इतने स्टॉल आए हैं, धनबाद है, चिरकुंडा है, देवघर है, मुजफ्फरपुर है, इन सब जगहों से भी हमारे यहाँ स्टॉल आए हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे इस बार रिस्पॉन्स रहेगा और एक्स्ट्रा मनोरंजन के लिए बच्चों के गेम्स हैं, हौजी है और भी काफ़ी कुछ है, लॉटरी है, पेंटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ का मंजूषा आर्ट जो है उसको पेंटिंग का बढ़ावा दे रहे हैं, वो फ्री का स्टॉल हमारा लगा है ताकि मंजूषा आर्ट कहीं ना कहीं जाके गॉन हो रहा है, इसका बिजनेस इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उनका फ्री का लगाए हैं। और बाकी तो सूट्स है, साड़ी है, भगवान के पोशाक हैं, राखी है, गिफ्ट आइटम्स है, फेस्टिवल टाइम आ रहा है उससे रिलेटेड हर तरह का आइटम यहाँ पे है। आप मतलब इनफैक्ट आप ये देखिए कि दिवाली तक की शॉपिंग यहाँ आराम से हो सकती है। बहुत बड़ा संदेश है, महिला उद्यमियों ने मिलकर
और मारवाड़ी महिला समिति ने जो मिलकर ये क्रिएट किया है महिला उद्यमियों के लिए, बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए आप देख सकते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है हर सेक्टर से लोग। और सबसे मुझे अच्छा लगा वो स्टॉल, अभी हमारी महोदया ने एक स्टॉल लगाया जिसमें 3R का सिद्धांत है, रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, जो हम कहते हैं कि पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। मंजूषा हमारे भागलपुर की आत्मा है और ये वर्ल्ड वाइड जाए इस प्रयास में हम सब हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो ये प्रयास है ये देश के हर कोने से आया है और ये एक प्रयास, एक एक्सपोज़र है। बाहर की वैरायटीज़ हमारे यहाँ आ रही है, हमारे यहाँ की वैरायटीज़ को बाहर मौका मिलेगा। अभी हम यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ इको फ्रेंडली पॉट है, जो कि पर्यावरण को देखते हुए रिसाइकल प्रोडक्ट से बनाया हुआ हमारा प्लांट, इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट के लिए पॉट है, उसका स्टॉल लगाए हैं। कैसे तैयार होता है ये वेस्ट फैब्रिक और POP और क्ले और 7 आइटम से मिलके हमारे उद्योग में महिलाएं काम करती है जो इसको रेडी करती है। कितना पर्यावरण के लिए कितना ये अच्छा, ये पर्यावरण के लिए से कि लोग ना पुराने कपड़े या पुराने कागज को फेंक देते हैं, तो हमने उसको रिसाइकिल करके यूज किया है। भागलपुर सहित पूरे प्रदेश और देश में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग गर्मी की चपेट में आने से लगातार बीमार होते जा रहे हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं। साथ ही लोगों की दिनचर्या भी काफी अस्त व्यस्त हो गई है, लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने को कर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने हाथों में पेड़ पौधे लिए जीवन जागृति समिति के अधिकारियों और स्कॉट एंड गाइड के छात्राओं के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली को भागलपुर की रानी लक्ष्मीबाई चौक पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कचहरी चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने आम लोगों से कम किसी भी कार्यक्रम के पहले अपने घर पर पेड़ लगाए जाने की अपील भी की। जी मैं तो इसके लिए बहुत तत्पर रहती हूँ कि पेड़ लगाया जाए। अभी हमने अपने एजेंडे में भी लिया है कि हर महीने हर वार्ड में 5-5 पेड़ जरूर लगाएं और जितने भी हमारे पार्षद हैं उनका जो फैमिली या जो उनका बर्थडे आता है उसमें भी 5-5 पेड़ लगाएं। इस तरह से करने से तो 1-2 साल में ही काफ़ी पेड़ लग जाएगा। और ये मुहिम सबको ये सोचना चाहिए कि जब भी उनका कोई बर्थडे आवे, उनके बच्चों का आवे, हमारे शहर के जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप जरूर उस मौके पे, उस अहम मौके पर एक एक पेड़ जरूर लगाएं। तो जब इतना पेड़ लग जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि पर्यावरण यहाँ पे इस तरह से कुछ हो पाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आज चारों तरफ त्राहिमाम है, किस बात का त्राहिमाम है, गर्मी, बढ़ती गर्मी, हम लोग सुने नहीं थे 40 से ऊपर टेम्परेचर, अभी 40 नहीं 45, 45 नहीं 50 और 52 टेम्परेचर तक हो जा रहा है। कैसे जीवन बचेगा, मानव कैसे बचेगा? और इसका एकमात्र उपाय है कि पेड़ लगाना। पेड़ नहीं लगेंगे तो तापमान इसी तरह से बढ़ते जाएगा। मानव जीवन 50 डिग्री के लिए नहीं बना है और इसके लिए खून गर्म हो जाएगा शरीर का और टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। माइंड का कंट्रोल सिस्टम जो पसीना से होता है वो भी फेल हो जाता है और ऐसे में जीवन खत्म हो जाती है, लोग मरते जा रहे हैं लू से, गर्मी से। तो ऐसे में पेड़ ही एक रास्ता है, जो पेड़ एक चीज़ नहीं देता है, पेड़ छांव देता है, पेड़ बारिश लाता है, पेड़ ऑक्सीजन लाता है, पेड़ गर्मी से बचाता है। सारा चीज़ समस्या का एक उपाय है, वो है पेड़ लगाएं। तो आप पौधा लगाएं और पौधा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लगाएं, आप उसको बचाएं, कम ही पौधा लगाएं, उसे वृक्ष बनाकर दिखाएं। ये नारा के साथ लोगों को करबद्ध प्रार्थना है कि अपने घर के सामने जगह छोड़े, पौधा लगाएं, छतों पर भी पौधा लगाएं। इस तरह से आप पर्यावरण संतुलित कर सकते हैं। जिस तरह से अपने बच्चे के फर्ज के लिए आप दिन रात कमाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर्यावरण के लिए भी आप जरूर कुछ ना कुछ करिए, आपका फर्ज है।
गंगा घाट विकास समिति एवं कला सागर सांस्कृतिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में बरारी पुल घाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां घाट की जर्जर स्थिति को देखते हुए धसना नहीं गिरे इसके लिए भी बराबर करने का प्रयास किया गया। जो श्रद्धालु गंगा में अपना कपड़ा फेंक देते हैं, दतमन फेंक देते हैं, उसे भी चुनकर सब साफ किया गया। गंगा घाट विकास समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नवीन कुमार कुशवाहा, मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित, काशीकांत मनोज सिंह, अशोक ठाकुर, सचिन ठाकुर, सुमित ठाकुर इत्यादि सदस्यों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी समिति के द्वारा गंगा घाट पर आए हुए श्रद्धालुओं को साबुन, शैंपू और दतमन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से भी नियम बनाया जाए और कपड़ा गंगा नदी में ना फेंका जाए, इसके लिए भी प्रशासनिक नियम तैयार किया जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक स्वच्छ व निर्मल गंगा में स्नान कर सके। यह राज्य के अलग अलग जिले के साथ झारखंड से भी लोग श्रद्धापूर्वक स्नान करने आते हैं और हर सप्ताह सफाई अभियान समिति के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम और जिला प्रशासन का भी सहयोग की आवश्यकता है, जिससे घाट सुंदर और स्वच्छ दिखे। सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग जमुना मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे पिकअप पर सवार चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों एवं स्थानीय थाना पुलिस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर लाया गया, जहां 2 व्यक्ति की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मुंगेर जिला के मोहम्मद चांद, मोहम्मद छोटू और मोहम्मद अली अपने पिकअप वाहन को लेकर मुंगेर से संग्रामपुर आ रहे थे, तभी जमुना मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने संग्रामपुर थाना को सूचना दिया। मौके पर संग्रामपुर थाना की पुलिस पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, फिर उसे एम्बुलेंस की मदद से भागलपुर के मायागंज अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। हाँ ये सर बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया है, किसी को जान बाज मसक देना देवरंजन, और सर जी इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कहने की बात नहीं है। जितना उसका गाड़ी निकालने में 1.5 घंटा तक गाड़ी फंसा रहा, जैसे भी लाया बेलहर से, बेलहर और संग्रामपुर से बीच में से ये सर ने, और हम लोग कलेक्टर से फिर ट्राई किया, उससे नहीं निकला, फिर जैसे भी लाया इनो सर ने किया। बेलहर थाना में पड़ता है वहाँ के, अभी अभी आए हैं, अभी तुरंत आए हैं, 1.5 घंटे के बाद आए हैं, एक भी नहीं आया एम्बुलेंस। पहले से कौन था? पहले से संग्रामपुर थाना था, लोग जो आगे मीडिया वाला जो छापे हैं, संग्रामपुर थाना पहले से एम्बुलेंस के बारे में क्षेत्र और मुंगेर क्षेत्र में एम्बुलेंस 1 घंटा फोन करने पे 2 घंटा भी नहीं पहुंचता है, फिर बात क्या है? सर बहुत मेहनत किया, सरकार का व्यवस्था नहीं है, जान बचाया नहीं, टाइम पे नहीं आया, हो चुका है लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया, बताइए आदमी कैसे ले जाए? प्रशासन रहते हुए फिर भी वो क्या करेंगे सर जी, मैं भूमिका निभाए सकता सर जी, मेरा सर जी जिंदाबाद। मुंगेर से क्या लेके नहीं आ रहे थे, लेके जा रहे, जाने वाले थे, अभी तो सिंग्रामपुर जा रहे थे, तो मुकद्दर में जो होगा वही ना होगा सर। ड्राइवर ठीक जा रहा था, इत्तेफाक से बैक साइड से फोर व्हीलर जा रही थी, तो खड्डा को देखा नहीं, छलांग मरा गई। ड्राइवर लगा के 3 आदमी थे, हम तो पीछे बैठे थे।